दोस्तों अभी 12 बज चुके हैं और अभी हम लोग मंगल बेड़ा में आ गए, तो आज हमारा खाना बन रहा है दाल भात चोखा। अब चल रहा है, हो सकता है गाड़ी कई बार कोई चोर लेके जा रहा है, उसमें अगर पीछे से कोई स्पीड भगा रहा है, स्पीड का भी फाइन होता है। दोस्तों अभी लिए नहीं है और अभी ऐसे जरूरत नहीं पड़ा है, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिला जरूर लेंगे, ड्रोन कैमरा भी लेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा नया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग तो सरदार जी के होटल में रात में सो गए थे, आप लोग पिछला ब्लॉग में देखे होंगे, और हम लोग वहाँ 4 बजे सुबह उठ के चले हैं। तो दोस्तों हम लोग अभी ओसा में खड़े हैं और अभी तुलजापुर की ओर जा रहे हैं अभी हम लोग, और ये देखिए हमारा गाड़ी खड़ा है सामने। तो यहाँ पर थोड़ा चाय नाश्ते के लिए रुके थे हम लोग। तो दोस्तों हम लोग अभी दोनों गाड़ी साथ में हैं, तो इनका माल जहाँ हम लोग ब्रेक डाउन भरने जाते हैं उसी के बाजू में एक फैक्ट्री है, वहीं का माल है, और मेरा माल तो कागल का है, कोल्हापुर कागल का, हमको आगे जाना पड़ेगा। तो ये क्या है कि बहुत पहले चले थे लेकिन अभी बहुत दिन से नहीं आए, तो इनको साथ में रख के हम लेके जा रहे थे। और रास्ता बताना पड़ रहा है कि वो काफ़ी दिन बाद आने के बाद आदमी थोड़ा सा रास्ता भी चेंजिंग हो जाता है, बहुत सा चौक ऐसा है, मोल्डिंग कर दिया गया है, रोड चौड़ा 4 लाइन, तो समझ में नहीं आता। तो हमको बोले कि बहुत दिन बाद आए, चलना है साथ साथ में, वो ठीक है। तो इनको साथ साथ में लेकर के हम चल रहे हैं, मिरज तक जाएंगे, मिरज के बाद ये उधर चल जाएंगे, हम फिर उधर निकल जाएंगे अपने कोल्हापुर की ओर। दोस्तों अभी दोपहर का 11 बज गया है और हम लोग सोलापुर पहुंच गए हैं, सोलापुर टोल टैक्स में है। थोड़ा चाय भी पिए और थोड़ा रस्सा चेक कर रहे थे कसने के लिए, तो ये देखिए अभी कसे हैं रस्सा, ये रिंच से कस लेते हैं, आप लोगों को पहले ही बताए थे, रिंच फंसा के ऐसे करके कस लेते हैं हम लोग। तो अभी ठीक है, जितना तक कस लिए हैं, ये थोड़ा ढीला है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंची मारा हुआ है, बाकी मेरा रस्सा सब टाइट है अभी। और बहुत बढ़िया लेबर मिल गया था हमको, जो इतना अच्छा कस के दिया है कि मतलब माल ज़्यादा ढीला भी नहीं हुआ। अब तो इधर रास्ता ख़राब है भी नहीं, रास्ता सब अच्छा ही है। दोस्तों अभी 12 बज चुके हैं और अभी हम लोग मंगल बेड़ा में आ गए, तो आज हमारा खाना बन रहा है दाल भात चोखा। तो साथ में विजय अंकल भी है, तो विजय अंकल के गाड़ी में भी चावल बन रहा है और हम अभी बना रहे हैं चोखा और दाल। तो प्याज वात सब कटिंग करने जा रहे हैं अभी, और इसको चढ़ा देते हैं, तब तक ये उबलेगा, तब तक हमारा सारा प्याज वात सब कुछ कट जाएगा। दोस्तों अभी हमारा दाल कंप्लीट हो गया, अब जा रहे इसमें चोखा लगाने के लिए, और उधर चोखा भी हमारा तैयार है और टमाटर वगैरह सब कुछ काट के रेडी रखे हैं। चढ़ा के दाल दोस्तों अपना पूरा कंप्लीट हो गया, अब जा रहे चोखा बनाने के लिए। ये तो कंप्लीट हो गया है, बस इसको हल्का सा भूनना पड़ता है, उसके बाद फिर इसी को इसमें डाल देंगे। और अभी ये पापड़ नमक डाल के इसको अच्छे से मिला रहे हैं। अब डाल रहे दोस्तों इसमें तेल, तेल डाल दिए दोस्तों, लहसुन पहले भून लिए, अब इसमें डाल रहे हैं बाकी का प्याज और मिर्चा, इसको पहले एकदम अच्छे से भून लेंगे। अब प्याज दोस्तों हमने एकदम छोटा छोटा डाला है क्योंकि इसमें छोटा छोटा ही डलता है। दोस्तों अभी प्याज और टमाटर की नम अच्छे से भूंज लिए हैं, अब इसमें जाएगा चोखा। दोस्तों ये हमारा चोखा कंप्लीट हो रहा है, अभी ये जा रहा है सागर, इसको मिला रहा अच्छी तरह से, पूरा कढ़ाई अभी इसे गर्म है और पूरा अच्छी तरह से मिला करके ऐसे ही हम लोग चोखा बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दाल भात चोखा। और चोखा बनाने कारण क्या है कि सब्जी वगैरह था कुछ गाड़ी में, तो कल रात में कुछ मसाला वगैरह हो गया था, तो मसाला के बाद एक बार हम ऐसे सादा खाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाला खाना ठीक बात नहीं है। दोस्तों आज दोपहर का 2 बज गया है और हम लोग का खाना बन चुका है, और चले हम लोग खाना खाने,
आज विजय भाई आज क्या है खाना हम लोग का? खाना में दाल भात चोखा है। मैंने कल रात में जो मसाला खाए तो एक टाइम तो सादा चाहिए ना, इसीलिए हमारा वही सिस्टम है। अगर मसाला जिस दिन हो जाता है दूसरे दिन कम से कम सादा खाना, तो खाना ठीक सादा खाना है इसलिए बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चले खाने के लिए। अभी हम लोग और सफ़र भी काटना है, अभी इनको भी अलग जाना है, हमको भी जाना अलग। एक जगह का माल है नहीं हम लोग का, अलग अलग ही जाना। खाना खाते हैं अभी। दोस्तों खाना खा के निकल गए हैं और संगोला पार कर गए हम लोग। अभी यहाँ से कम 150-200 हमको जाना है कोल्हापुर, तो आज रात में तो पहुँचना ही, किस तरह पहुँचेंगे। और दोस्तों हमारे कुछ दोस्त लोग से बात हो रहा था तो पता चला है कि अगर मोबाइल रिचार्ज नहीं करने कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये चीज़ के बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल सिम लेते हैं और उसको उसका नंबर कहीं डलवाते हैं, जैसे बैंक में हो गया और कहीं भी जहाँ ज़रूरत हुआ, लेकिन फिर हम लोग बाद में ऐसा कुछ करते हैं कि सिम चेंज कर देते हैं या उसको रिचार्ज नहीं करते हैं, उसको दूसरा सिम ले लेते हैं। तो वो जो नंबर हम लोग देते हैं उसमें, वो नंबर से अगर कोई मैसेज आता है तो आ नहीं पाता, क्योंकि वो मोबाइल बंद होता है, सिम उस समय बंद हो जाता है या रिचार्ज नहीं करते हम लोग। तो उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ हमारे एक मित्र को, जो सुनने में आया कि उसका गाड़ी का ऑनलाइन फाइन हो रहा था और उसको पता नहीं चल रहा था। और उसका गाड़ी एक्चुअली में फाइन नहीं हो रहा था, वो क्या रहा था, उसके नंबर से कोई दूसरा गाड़ी चला रहा था, उसके नंबर से गाड़ी दूसरा कोई चला रहा था और गाड़ी में उसके नंबर में फाइन हो रहा था, इसको पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब ये अपना नेशनल परमिट ख़त्म हुआ एक साल के बाद, जब वो नेशनल परमिट बनाने गया वहाँ, तो 50,000 नेशनल परमिट का, 8-1.5 लाख रुपया फाइन, इसका तो हालत ही ख़राब हो गया। तो बोला कि भाई ये क्या चीज़ आया, तो आपकी गाड़ी में फ़ाइन हुआ है। तो बोला हमारे गाड़ी में कोई फाइन नहीं है। तो बोला कि नहीं, हम आपके गाड़ी का इतना फाइन है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये स्टेट का, अलग अलग स्टेट का बताया है कि यहाँ फाइन हुआ है। बोले वहाँ हमारी गाड़ी जाती नहीं है, तो उससे उनको नहीं मालूम, कंप्यूटर में जो लोड हो गया सो लोड हो गया। तो बहुत बेचारा दौड़ धूप किया वो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बोला कि नहीं, पहले आपको वो प्लांटिक भरना पड़ेगा, तब आपका नेशनल परमिट बनेगा। तो लास्ट में उसके साथ ये हुआ कि गाड़ी को उनको मतलब लोकल में फैक्ट्री में दे देना पड़ा, लाइन में लेकर चल नहीं सकता, नेशनल परमिट है नहीं उसके पास। और दोस्तों इससे एक चीज़ का और हम देखें हैं, ये मेरा राय है, अपना राय है कि अगर ऑनलाइन फाइन होता है तो कम से कम ड्राइवर का लाइसेंस भी उसमें लगना चाहिए कि हाँ ये ड्राइवर इस गाड़ी में मौजूद था, इससे फाइन हुआ इस गाड़ी में। उससे क्या होता है कि मालिक को आइडिया लग जाता है कि मेरा ड्राइवर तो ये है ही नहीं, और लाइसेंस के जरिए ये RTO कहाँ का RTO का लाइसेंस बना हुआ है, तो लाइसेंस के जरिए वो बंदा पकड़ा जा सकता है कि भाई तू मेरे नंबर लगा के कौन सा गाड़ी चला रहा था। तो ये चीज़ मेरा अपना मानना ही है, ऐसे तो RTO विभाग का अलग अलग है कि अगर ड्राइवर का जैसे RTO में भी होता है, वो ड्राइवर का लाइसेंस मांगता है तभी फाइन होता है। अब चल रहा है, हो सकता है गाड़ी कई बार कोई चोर लेके जा रहा है, उसमें अगर पीछे से कोई स्पीड भगा रहा है, स्पीड का भी फाइन होता है, गाड़ी स्पीड भी चलता है, स्पीड का भी फाइन होता है। उसमें अगर फाइन होगा उसको पकड़ के रोक करके दे भाई लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाया, लाइसेंस के साथ में फाइन हुआ, तो ट्रक मालिक को मालूम चल सकता है कि अरे ये तो चोर मेरा गाड़ी लेके भाग रहा था, स्पीड के कारण फाइन हुआ है। तो ये सब दो फायदा हो सकता है, ये हमारा अपना राय है दोस्तों। दोस्तों अभी शाम के 7 बज गया है, हम लोग जहाँ तेल लेते हुए आए हुए हैं, जगह नाम सिरोड हो गया। तो मेरा माल तो आगे कहाँ है, कागल, वो कोल्हापुर से आगे ही पड़ता है कागल, कागल MIDC का, तो जा रहे वहीं पे, तो तेल थोड़ा कम पड़ता है उधर, उतना तेल में नहीं होता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर खड़े हैं, ऐसे भी मिरज में 9:00 रहता है, तो 9:00 तो करीब 9 बजे छोड़ देता है वो, तो अभी तो 7 ही बजा, तब तक खाना वाना बनाते हैं, यहाँ से खाना वाना बना खा कर फिर निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों हमारा रात का खाना है ये आज का, टमाटर का चटनी और ये आलू भर का रोटी। और ये आलू भर रोटी इसलिए कि आज दोपहर में हमारा जमाना था दाल भात चोखा, तो चोखा काफ़ी ज़्यादा था, तो जब बचने के बाद ख़राब नहीं होना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उसको आलू भर के रोटी बना लिए हैं। और ये टमाटर भी है, अभी टमाटर तो सस्ता ही चल रहा बाज़ार में, तो थोड़ा बना ले रहे टमाटर का चटनी भी। ठीक है दोस्तों, चले बनाने के लिए अभी।
दोस्तों हमारा खाना बन गया है, अब चले खाना खाने के लिए। दोस्तों हमारे साथ जो विजय सिंह थे ड्राइवर साहब, उनका गाड़ी देखिए उस पार में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमको तेल लेना था तो हमको इस पार आना पड़ गया, तो उस गाड़ी को तेल लेना नहीं है क्योंकि उसका माल तो यहीं का है मिरज का, तो वो घूम के आना पड़ता है इधर, इसलिए नहीं आया इधर। तो उनको वहीं पर दे दिए खाना, तो वो अपने भी गाड़ी में खाना खा रहे हैं और हम अपना गाड़ी में खाना खा रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट आया था कि ड्रोन कैमरा के विषय में कि ले लिए, लेकिन अभी लिए नहीं दोस्तों। वो क्या है ना कि दो गाड़ी साथ में था, तो सागर उसी गाड़ी के ऊपर में बैठ करके पीछे तरफ में वहीं से बैठ करके लिया था, हम पीछे पीछे चल रहे थे और वो आगे गाड़ी चल रहा था, तो उसी से लिया गया था, लेकिन कोई ड्रोन कैमरा का काम नहीं है दोस्तों। अभी लिए नहीं है और अभी ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ा है, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिला जरूर लेंगे, ड्रोन कैमरा भी लेंगे, सब कुछ यूज करेंगे। ऐसे ही आप लोग का प्यार मिलता रहे तो ज़रूर एक दिन ड्रोन कैमरा भी आएगा अपने पास। ठीक है दोस्तों, अभी खाना खाते हैं और फिर यहाँ से खाना खा के भी निकलना, आगे यहाँ रुकना नहीं है, हमको तो जाना है कोल्हापुर ना, तो इसलिए आगे जाके रुकेंगे कहीं। दोस्तों हम लोग का साथ यहीं तक था, अब गाड़ी वाले हम लोग जानते ही हैं जहाँ तक साथ में थे। अब हम लोग यहाँ अलग अलग, इनका दूसरे दिशा का माल है, मेरा दूसरे दिशा का माल है, तो हम चले कोल्हापुर, ये जा रहे हैं मिरज। तो अब देखते हैं कि हो सकता है खाली होने के बाद एक ही जगह लोडिंग मिला ब्रेक ड्राम, तो फिर साथ हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, इनके लिए कोई दूसरा माल हो, हमारे दूसरा माल हो, और लोडिंग में आगे पीछे हो जाए तो भी नहीं मुलाकात हो सकता है। अगर एक दिन आगे पीछे रहे तो हम लोग खुद रास्ता में मेकअप कर लेंगे, क्यों हम लोग रुक के अपना फिर मेकअप कर सकते हैं, फिर साथ में हम लोग जा सकते हैं यहाँ से झारखंड तक। तो ठीक है दोस्तों, अब तो किस्मत की बात है, देखते हैं खाली करने के बाद कब मुलाकात होगा, किसको कौन सा माल मिलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक साथ आए बहुत अच्छा लगा, समझे। ठीक है भाई। दोस्तों अभी हम जयसिंहपुर आ गए हैं पेट्रोल पम्प में, जहाँ पर बताए थे कि यहीं पर आके रुकते हैं रात में, और ये देखिए मदनायक पंप पे आ चुके हम, और ये हमारे सेठ जी हैं, इन्हीं के यहाँ तेल लेते हैं, सब चीज़ होता है, और यहीं आके स्टॉपेज है, सारा चीज़ का सुविधा भी यहीं पर है। दोस्तों आज हम यहीं पे सो रहे हैं रात में, और फिर सुबह उठ के तब सेठ जी आपके गार्ड वगैरह सब तो रहता ही है, रात भर चालू रहता है पंप, 24 घंटा पंप चालू रहता है। हाँ तो 24 घंटा ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम यहाँ चल रहे हैं सोने के लिए, अब सुबह जाना भी है, अपना कागल का माल है, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।